बटन दो। यह शपथ लेता हूँ कि सुरक्षा ही हमारा कार्य और कर्तव्य है और सुरक्षा से काम करते हुए सुरक्षित जीवन में अपने परिवार की सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश करूंगा। मैं सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता रखते हुए काम करूंगा। मैं सुरक्षा के सारे नियमों का पालन करते हुए कार्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होने दूंगा। मैं सुरक्षा की ढाल बनकर सारी मुसीबतों को कार्य से दूर रखूंगा। मैं सुरक्षित ढंग से काम करते हुए अपने सारे सपने साकार करूंगा। मैं सुरक्षा एवं स्वच्छ पर्यावरण की शपथ लेता हूं। धन्यवाद। जय सुरक्षा। बैठे हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी सुरक्षा में हमारे ऑनरों का हित इसके लिए है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आप ज्यादा प्रोडक्शन देंगे, ज्यादा प्रोडक्शन देंगे ये ज्यादा पैसा कमाएंगे। आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, आप सोचिए एक मेंडेस का लॉस, व्हाट डू मीन बाय वन मेंडेस लॉस, किसी को फैटल हो जाना, किसी का फैटल हो जाना, उसको यहां से लेकर आप वापस लेके जाएंगे, छिंदवाड़ा ले जाएंगे, नागपुर जाएंगे, वहां पर इनकी पूरी फोर्स लगाना, उसको ठीक करने में लगाना, कितना सोचिए एक छोटी सी गलती में कितना बड़ा काम हो जाता है। इसलिए हमारे चाहे यादव साहब है, राजकुमार यादव साहब या और भी अभिलाष ने जो बताया है कि आप लोग को काम करते समय किन किन सुरक्षा के मानकों का पालन करना है, ये बहुत आवश्यक है। जैसे मेरी माएँ और बहनें बैठी यहाँ पे, बहुत अजीब लग रहा होगा कि आज जो है टोपी पहन के बैठी, ये नॉर्मली मैं 200% श्योर हूँ कि आप लोग नहीं पहनती होंगी। पहनिए, इसलिए पहनिए क्योंकि आपके बाल हैं, बाल में कंकड़ चला जाएगा, धोना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। पहला, दूसरा चीज़ है जूता पहनिए। आप लोग जूता नहीं पहनेंगे आपके पैरों में कंकड़ गड़ जाएगा और वो धीरे धीरे क्या करेगा, अगर आप डायबिटीज़ हैं, क्योंकि आप नॉर्मली चेक नहीं कराती हैं, बाकी जो लोग हैं गांव के वो डायबिटीज़ कभी चेक नहीं कराते हैं। सपोज आप समझिए आप डायबिटिक हैं, आपके पैरों में कहीं लग गया, वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं आपके लिम्ब मतलब पैरों का लॉस करना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि जूता का पहनना। दूसरा, मैं चाहूंगा माइन ऑनर को कि ये आपको ग्लव्स भी दें, क्योंकि आप लोग कुछ काम हाथ से करते हैं। अगर आप लोग स्टोन जो पिचिंग या स्टोन उठाना है कि कहाँ से पिकिंग कर रहे हैं, तो आपको पहनना चाहिए, वो भी ग्लव्स पहनना चाहिए। दूसरा, मैं तारीफ करूंगा यहाँ पे कि श्री गुप्ता साहब और जैन साहब ने मिलकर इतना अच्छा कार्यक्रम किया है कि हम ऑब्लाइज्ड हैं जो मेम्बर हैं, बहुत सफाई दिखी हमको यहाँ पे और इतना अच्छा प्रोग्राम है, इतना अच्छा बैनर लगाया है और सारे जो है पीपी में तैयार है। सबसे पीपी होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, आप सारे लोग पहने, ये हमको देखिए बड़ी खुशी हुई। दूसरा, हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस जो आप ये जो एक दो वीक में रखे ना, ये लाइफ के अंदर डाल लें। घर से निकलने से लेकर वापस घर जाने तक सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे, घर से निकल रहे हैं, गाड़ी से आते होंगे, साइकिल से आते होंगे, पैदल आते होंगे, अगर आप सुरक्षा मतलब पहले खुद का तो चिंता मत करो। अरे ये तो यहाँ से जो है ऐसा है, यहाँ वो दो बॉन रहता है, रेडियस और एरिया, तो दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ ज़्यादा गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का फ्रैक्चर हो सकता है। तुम इसको मोबिलाइज मत करो,
अभी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, चिंता मत करो। बहुत बढ़िया।